मेरा सभी पक्ष के सदस्यों से विनंती है कि चुनाव जीतने के लिए, किसी समर्थन हासिल करने के लिए किसी पक्ष का विधेयक का समर्थन करना या विरोध करना, ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। नए गठबंधन बनाने के अनेक प्रकार होते हैं। विधेयक और कानून देश के भले के लिए लेकर आते हैं, इसका विरोध या इसका समर्थन भी देश के और दिल्ली के भले के लिए करना चाहिए। अगर हमारी राजनीति में थोड़ी स्वीकृति कम है तो सबको मिलाना है, दिल्ली का जो होना है वो हो, जितना भ्रष्टाचार होना है वो हो, मंत्री कुछ भी करे, मुख्यमंत्री करोड़ों के बंगले बनाए, मगर हम विपक्ष में रहते हुए समर्थन करेंगे क्योंकि हमें गठबंधन बनाना है। इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। मेरी अपील है विपक्ष के सदस्यों को कि आप दिल्ली की सोचिए, अलायंस की मत सोचिए। अलायंस से फायदा नहीं होने वाला है। अलायंस होने के बाद भी पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। इसलिए ये अलायंस के कारण जनता के हितों की बलि मत चढ़ाइए। जनता सब देख रही है। अलायंस कर आप अगर ऐसा सोचते हो, कि जनता का विश्वास हासिल कर दिया जाएगा, जनता का विश्वास आपको मिला था, मगर जिस तरह से 10 साल यूपीए ने शासन चलाया, 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे, इसलिए आज वहां बैठे। और मैं फिर से कहना चाहता हूं, दिल्ली सरकार के घपले घोटाले भ्रष्टाचार को प्रचिन्न रूप से अलायंस की गरज के कारण मदद कर रहे हो, पूरा देश देख रहा है और पूरा देश चुनाव में इसका हिसाब किताब करेगा।